फ्रेंड्स, एयरलाइंस के इवनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का एयरलाइन का इवनिंग सेशन कई टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। इसमें हम लोग पहले टॉपिक पर बात करेंगे इंडियन नेवी, जो कि दूसरे देशों में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम कर रही है। इसमें हम लोग जानेंगे कि इंडियन नेवी कौन कौन से देश से अब अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इसके अलावा इसमें रहेगा कि जो लोग भी बाहर फंसे हुए हैं वह अब भारत में कैसे आए, क्योंकि उन लोगों की मदद अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। तो अब उन लोगों को क्या करना पड़ेगा भारत आने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन नेवी, जो कि इससे पहले श्रीलंका और मालदीव में फंसे हुए लोगों को निकाल चुकी है, तो अब आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इंडियन नेवी अब ईरान में भी फंसे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू करने जा रही है। फ्रेंड्स, जो लोग भी ईरान में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उनको इंडियन नेवी ईरान से गुजरात के पोरबंदर तक लेकर आएगी, जिससे कि वह सभी लोग अपने घरों तक जा सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेवी की हेल्प इसलिए ली जा रही है क्योंकि इंडियन नेवी ही यहाँ पर बड़े लेवल में लोगों को निकाल सकती है। यहाँ पर एक बार में 1000 से 1500 लोगों को निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी इंडियन नेवी की केवल मालदीव और श्रीलंका और ईरान के लिए ही अभी अनाउंसमेंट हुई है। गल्फ कंट्री के लिए इंडियन नेवी अपनी शुरुआत कब से करेगी, इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आ पाई है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं इवनिंग सेशन के दूसरे टॉपिक पर। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं वह देश में कैसे आ सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ भी रिस्पांस नहीं आया है। और बड़े से बड़े लोगों को भी कांटेक्ट कर लिया है और किसी भी तरीके से आपकी कोशिश सफल नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास एक और ऑप्शन है। इसमें आपको करना ये होगा कि इसमें आपको आपके परिवार वालों की हेल्प लगेगी। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोलिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के लोकल विधायक से संपर्क करें, उस एरिया के जिला अध्यक्ष से संपर्क करें, उस एरिया के पार्षद से संपर्क करें और उनको बोले कि आपको जल्दी से जल्दी भारत में लाएं। और आप भी उनके मोबाइल नंबर पर अपना छोटा सा वीडियो बनाकर भेजें कि आप इस समय किस हालात में हैं और आपको इस समय तुरंत मदद की आवश्यकता है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उन लोगों के पास अब यही एक रास्ता बचा है कि जो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं देश में आने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी बात सीधे ऊपर लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है तो आप अपनी बात नीचे से भी ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर विधायक की सीधी पहुँच राज्य के मुख्यमंत्री तक होती है, और यदि उसके पास बहुत सारे लोगों ने एक एक करके मैसेज करना शुरू कर दिया या फिर वीडियो बनाकर वीडियो भेजना शुरू कर दिया तो उसको मजबूरी में ये सारी बातें अपने मुख्यमंत्री को बोलनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी अवश्य ही मदद हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के इवनिंग सेशन की कुछ ज़रूरी जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली शाम को आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट खबरें लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।